आए। बैठे। आप तो बहुत थक जाती होंगी ना बार बार हॉस्पिटल जाकर फीड करवाने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जब हॉस्पिटल से वापस आती हूँ तो बस घड़ी देखती रहती हूँ और इंतजार करती हूँ कि मैं वापस कब जाऊंगी दोबारा अपने बच्चे के पास। हाँ, माँ जो हुई आपकी माँ भी आपको इतना ही प्यार करती होंगी ना, बहुत और आयमा से भी ना। बीबी जान, जब से आयमा यहां से गई है मैं टूट सी गई हूँ। मैं आयमा का नाम भी नहीं सुनना चाहती, उसे भुला देना चाहती हूँ, लेकिन आप जानबूझकर बार बार मेरे सामने आयमा का नाम क्यों लेती हैं? आप कासम बाबा की वजह से परेशान है ना। मैं चाहती हूँ कि आप आयमा बीबी को भूल ना जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आखिर क्यों आप बार बार मेरे सामने आयमा का नाम लेती हैं, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कती हैं? आप ऐसे क्यों करती हैं बार बार? मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे के लिए गुजारनी है, अपने बच्चे को जिंदगी तक वापस लेकर आना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। इसके अलावा ना मेरी जिंदगी में किसी की जगह है और ना ही मैं किसी और का नाम सुनना चाहती। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ सुनाना चाहती हूँ आपको। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती बीबी जान। मैंने आसम साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। अच्छा, कहिए आखिरी बार, इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि फियाज साहब आयमा बीबी के मुजरिम नहीं है, क्या कोई और है। बीबी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आंखें धोखा दे जाती हैं, उस रात सबकी आंखों के आगे धूल हो गई थी। रायमा बीबी फियाज साहब के खिलाफ साजिश हुई है। जहां तक मुझे यकीन है असल मुजरिम कोई और है। कौन? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अयाज, क्या वो भाभी आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? खाइए ना। हाँ अयाज, ये लो नाश्ता करो। थैंक यू। और भतीजा कैसा मेरा? इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, मैं अभी उसी के पास जाने लगी हूँ हॉस्पिटल। अहमा, मुझे एक बात बताओ, तुम पिछले एक महीने से इस घर में हो और इस दौरान मैं घंटों घर से बाहर गई हूं। तुम्हें फैसल ने कभी तंग किया? उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? डाइनिंग टेबल पर तुम दोनों एक साथ होते हो, उसने तुमसे नजरें मिलाने की कोशिश की? बताओ। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मैं किस तरह से समझाऊं? बेटा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी इल्तिजा मान लो। हाँ आंटी, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, शादी का तो मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती हूँ। शादी मेरे लिए बहुत भयानक। बेटा, तुम्हारी कौन सी बाकायदा शादी हुई थी? रुखसती तक तो हुई नहीं थी। बस तुम मेरी बात मान लो और वो सब एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, क्या हो रहा है भाई यहाँ? कमाल, अब आप ही से समझाए ना, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ कि हमें इस घर में बहू की नहीं एक बेटी की जरूरत है, और वो बेटी हमें आयमा की सूरत में मिल सकती है। देखो बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कयामत के रोज मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दोगी। अंकल, आयमा खुदा के वास्ते मान भी जाओ ना, फैसल अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव। नहीं आंटी, क्या हो गया है आपको? आप लोग जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। सच आयमा तुम मान गई हो? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस मैं इसी संडे को इन दोनों की शादी की अरेंजमेंट करती हूँ। कमाल, मैं अभी जाकर फैसल को इस बात की खुशखबरी देती हूँ।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जीती रहो, खुश रहो, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है अंकल? अरे बेटा इम्तिहान में तो तुम पास हो गई, अब तो इम्तिहान के खत्म होने का वक्त है। राइमा आसिम, आपके दिमाग में भी अब तक बीबी जान के अल्फाजों की बास गश्त गूंज रही है ना? राइमा हो सकता है कि बीबी जान सच कह रही है। आसिम पर इस सच का कोई सबूत भी तो नहीं है, बीबी जान के पास तो सिर्फ शक है। राइमा शक की कोई बुनियाद भी होती है? बीबी जान को क्या जरूरत है कि वो यास का नाम लें? उसने पापा से कोई इनाम लेने हैं या उसका क्या लेना देना है माँ से? लेकिन आसिम मुझे लगता है अगर हम इस उलझन में पड़े रहे और अशक पे यकीन करते रहे तो हम भाई से भी हाथ धो बैठे हैं। आसिम मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन अयाज हमारे बाद वहां पहुंचा था और उसके हुलिये पर, उसके कपड़ों पर उस शैतानियत का कोई निशान नहीं था, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो सोते में से उठ के आया। मगर रहमा बीवी जान रहमा तुम थोड़ा आराम कर लो, तुमने हॉस्पिटल भी जाना। शकीला की बड़ी ख्वाहिश थी कि सनिया उसकी बहू बने, तुम बड़ी बनो, किसी ना किसी तरीके से अली को मनाओ और सनिया की और अली की शादी करवा दो। मेरा बच्चा, आप ये मत सोचिएगा कि मेरा दुख अली या आप ही हैं जिससे आपकी मोहब्बत बुलाती थी। कुछ तो कैसे भी होते हैं कि जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ इसे। हाँ किरण डार्लिंग, तुम क्या जानो मैं कितना बेताब हूँ तुम्हारे लिए, और क्या करूँ मजबूर हूँ यार, ऑफिस से घर, घर से मस्जिद। ओह जोक सुनाते हो तुम और मस्जिद, वो किस लिए? है एक चैलेंज, बस उसे पूरा कर लूँ तो फिर होऊंगा तुम्हारे कदमों में हमेशा के लिए। ओह लगता है कोई हसीन चैलेंज कबूल कर लिया। यही समझ लो एक बहुत ही खूबसूरत चैलेंज, बस एक दफा पूरा हो जाए तो मेरी सिद्ध और इंतकाम को तस्कीन होगा। अच्छा ये बताओ वो तुम्हें तुम्हारा चेक मिल गया था? मुझे चेक की नहीं तुम्हारी भी जरूरत है। हाँ हाँ तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। फैसल फैसल। ओके बाय। जी जी आ जाएं अम्मी। क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या पढ़ रहे हो दिखाओ तो। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे सुलम दिया। अल्लाह ताला तुम्हें और नेकी की तौफीक दे। यकीन करो फैसल तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, खुश रहो सदा। बस अम्मी आप तो इसी तरह की किताबें पढ़ के मेरी रूह को तस्कीन मिलती है। खैर आप बताएं कोई काम था? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी, आयमा तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी हो गई है। क्या कह रही हैं आप, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर अपने कानों पर यकीन कर लो कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, आयमा तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी हो गई। और सुनो
मैं इसी हफ्ते तुम दोनों का धूमधाम से निकाह करूंगी, समझे तुम? अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच अम्मी। अच्छा ये बताएं कि वो आपने डेट कब फिक्स की? अरे भाई कहाँ है सब? क्या मालूम कहाँ गए सब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? और हाँ भाई बेटा कैसा है तुम्हारा, कैसी तबीयत है उसकी? बस आपकी दुआएं, माशाल्लाह से अब तो जल्दी जल्दी बड़ा भी हो रहा है। अच्छा अच्छा शुक्र है अल्लाह का। अरे मैंने सुना कि काफी महंगे वाले हॉस्पिटल में उसको दिखाया तुम लोगों ने, भाई बहुत पैसा लगा होगा। और ये भी बात सुनने में आई है कि आसिम की जो कंपनी है उसके तमाम अकाउंट्स जो है वो कोर्ट ने सील कर दिए। नहीं वैसे आंटी सर कोर्ट में तो प्रॉफिट जमा हो रहा है, अकाउंट्स तो फ्री ही हैं। और जहाँ तक मोहम्मद कासिम के हॉस्पिटल के बिल्स हैं तो आसिम वो अपनी गाड़ी को बेच कर पे कर रहे हैं, मैंने भी अपनी ज्वेलरी बेच दी है। हाँ मगर जो आसिम का बिजनेस था वो तो इरम की मलकियत था, इसमें कोर्ट का क्या ताल्लुक? लेकिन ट्रस्टी तो आसिम के पापा ही थे ना। अच्छा रायमा बेटा मैं तुमसे ना अली के बारे में बात करना चाहती थी। देखो मैं उसकी माँ ना सही लेकिन खाला तो हूं ना, जिस तरह माँ को दुख होता है अपनी औलाद का इस तरह मुझे भी उसका बहुत दुख है बेटा। मैंने तो खुद कभी नहीं ऐसा सोचा था कि अली के साथ ऐसा होगा, अगर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुद अपने आप को अली का मुजरिम समझने लगी हूँ। इस कमबख्त आयमा ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अभी भी अली को संभाल सकती हो। देखो बेटा शकीला की बड़ी ख्वाहिश थी कि सनिया उसकी बहू बने, तुम बड़ी बनो किसी ना किसी तरीके से अली को मनाओ और सनिया की और अली की शादी करवा दो मेरा बच्चा। लेकिन खाला सनिया तो बैरूने मुल्क जा बसी है। अरे तो क्या हुआ, तुम अली से बात करो, अगर वो राजी हो गया तो मैं सनिया को बुला लूंगी। नहीं खाला मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं अली से दोबारा उसकी शादी की बात करूं। मैं ऐसा करूंगी कि आसिम को कहूंगी, आसिम उससे बात करके देखें, वो उसके भाई हैं। इनफैक्ट मेरी तो खुद यही ख्वाहिश है कि अली का घर बस जाए और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। काला आपके लिए चाय लेके आते हैं। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो बेटा बिस्किट ले आना। तौबा मैं अपनी अम्मी से पैसे नहीं मांगूंगी, 5 लाख तो क्या 5 रुपए भी नहीं मांगूंगी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, 2 दिन के बाद कोर्ट में मेरी हेयरिंग है और खुदा ना करे कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी मुझे जेल में गुजारनी पड़ेगी। मुझे पैसे लाजमी चाहिए, समझी तुम? सारा जेवर तो तुम पहले ही बेच चुके, अब एक काम करो जाके मेरा सौदा करके आ जाओ, जाके मांगो सारे पैसे अपने उस बाप से जो मरते मरते हमें भी भूखा मार गया। अफवाह बंद करो, मैंने तुमसे कहा ना मुझे पैसे चाहिए। कहा ना, नहीं है मेरे पास पैसे, जाके मेरा सौदा कर दो। ठीक है ठीक है मैं फिर अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। सारा जेवर तो तुम पहले ही आग लगा चुके, अब जाके गाड़ी का भी सौदा करके आ जाओ। यानी कब तक ब्लैकमेल होते रहोगे उस क्रिमिनल के हाथों? कितनी बार काए मेरे बिजनेस के मामलों में? बिजनेस जाली दवाएं बना के उन्हें मार्केट करना बिजनेस है तुम्हारा? बको मत बीना मैं तुम्हें जान से। रुक क्यों गए, मारो मुझे, अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, मेरी भी तबाह कर दो। आयमा को देखो, वो अपने मरते हुए बच्चे को जिंदगी की तरफ लेके आ गए सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के तावन से। एक तुमने तो मुझसे मेरी जीने की आस भी छीन ली है, जालिम इंसान हो तुम। बीना I'm sorry, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं
मैं बहक जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। होश करो शिराज, तुम्हारी गर्दन पे तुम्हारे पापा की वसीयत की तलवार लटक रही। शाम को वकील आएगा तुम्हारी जिंदगी या मौत का फैसला करने के लिए। क्या? कितना साथ दिया मैंने तुम्हारा और तुमने मुझे तोड़ के रख दिया। राधिको प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अगर इस तरह से रोगी तो खाला मेरी जिंदगी अजाब कर देंगी, पागल कर देंगी मुझे। मैं तुम ही रुलाते हो मुझे, तुमने मुझे रोने पे मजबूर किया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्र गुजार हूँ कि तुमने मुझ जैसे बेहुदा लड़के के लिए हाँ करो। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ, किस किस को माफ करूँ, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि कसूर किसका है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओ। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा दुख अली या आपने है से आपकी मोहब्बत बुला देगी। कुछ तो कैसे भी होते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता उनसे। आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है? कुछ जो सिर्फ मैं कयामत के रोज बताऊंगी सिर्फ अपनी माँ को। शायद मैं बाप को भी ना बता सकूं। आयमा प्लीज, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जो अली की बेवफाई, रायमा की बेमुरब्बती और मेरी गलती से बढ़कर है? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मेरे दुख को मेरे हद तक ही रहने दो। आयमा बस आप मुझे माफ कर दो, हालांकि कसूर मेरा भी नहीं है। आयमा तुम क्यों माफी मांग रही? तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं। मेरा ये कसूर कम है क्या कि मैं बेकसूर हूँ? तुम बहुत बदल गई हो आयमा। मुझे तो वही आयमा पसंद थी जो सरकश थी, जिद्दी थी और बहुत बेबात पे थप्पड़ लगा देती थी। वो आयमा तो कब की मर चुकी है जो जिद भी करती थी, सरकश भी होती थी। अब तो मुझ में इतना हौसला ही नहीं है के मुकाबले के लिए खड़ी हो सकूं। अच्छा आयमा प्लीज, अब इन मायूसियों से बाहर आओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम ये सब भूल जाओ। आयमा बेटा, आयमा। अच्छा वो आमी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे देख लिया तुमसे बात करते हुए, पता नहीं क्या सोचेंगी और जूते भी लगा देंगी। जाओ। कमाल, ये ज्वेलरी देखें, ये तमाम वो ज्वेलरी सेट हैं जो अम्मी जान ने मुझे शादी के वक्त दिए थे। अब ये मैं आयमा को दे रही हूँ। क्या, अम्मी की ज्वेलरी? अरे नहीं। क्या मतलब है आपका? ये हमारे खानदान का रिवाज है कि शादी के वक्त सास अपनी बहू को अपनी ज्वेलरी देती है और आयमा अब मेरी बहू बनने जा रही है तो इस हिसाब से ज्वेलरी आयमा की हुई। आप क्यों परेशान हो गए? अरे नहीं भाई, मैं परेशान क्यों होने लगा, मगर ये आउट ऑफ फैशन नहीं? आप भी कमाल करते, ये अम्मी जान की निशानी है हमारे पास और जब हमारी बहू के पास जाएगी ना तो अम्मी जान जैसी नेक औरत की खूबियां उसमें आएंगी। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि। अरे आयमा आओ आओ आओ, बहुत अच्छे वक्त पे आई हो तुम। देखो ये ज्वेलरी सेट देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए निकाले, तुम्हें पहनने शादी के दिन। नहीं नहीं आंटी, मैं सबका क्या करूँगी? कैसी बातें कर रही हो कि तुम क्या करोगी? तुम्हें मालूम है जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सास का हुक्म था कि तुम एक साल तक दुल्हन बनकर कमरे से बाहर निकलोगी और अब वही हुक्म मैं अपनी बहू को भी दूंगी। क्यों कमाल,
मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर वो वक्त ही कुछ और था। अच्छा बस आप तो रहने देना, मैं भी यही चाहूंगी कि मेरी बहू हमेशा सजी संवरी रहे। अच्छा ये सब ज्वेलरी अब तुम्हारी हुई। नहीं आंटी, मैं ये सब कुछ नहीं रख सकती, मैं इसके काबिल नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुम कह रही हो कि तुम जेवर नहीं लोगी? नहीं आंटी, मैं ये सब कुछ नहीं रख सकती, ये आप अपने पास रख रहे हैं। अरे भाई क्यों परेशान कर रही हो आयमा को, रहने दो। कमाल, आपको तो आयमा को समझाना चाहिए और आप हैं कि मुझी को कह रहे हैं। आंटी प्लीज इसरार नहीं करें ना। अच्छा ये तमाम जेवर तुम्हारी अमानत के तौर पर मेरे पास रहेंगे, अब तो खुश हो ना? और हाँ कल रात तुम लोग की मेहंदी है, अभी थोड़ी देर में ड्रेसेस भी आ जाएंगे। नहीं आंटी, मेहंदी की क्या जरूरत थी, निकाह कर लेते बस। अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरे अकलौते बेटे की शादी है, मैं तो दिल खोल के अपने अरमान पूरे करूंगी। ठीक है क्यों कमाल, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ बैठो इधर। आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने आज? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी देर हो गई। ये क्या बात हुई? भाभी आपने मुझे क्यों रोका, मुझे जाने दिया होता। नहीं अली, तुम कहीं भी नहीं जाओगे और देखना इंशाल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। अब किसी खुशी का इंतजार नहीं मुझे भाभी। बको मत। अच्छा अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे इंतजार में अब तक खाना नहीं खाया और ना ही तुम्हारे भाई ने। भाभी मुझे भूख नहीं है। अली क्या करता है यार, रोज खाने की टेबल से गायब हो जाती हूँ। देख अगर तुमने मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया तो फिर मैं भी खाना खाना छोड़ दूंगी। पागल, जा फ्रेश हो जा जल्दी से, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। ये लड़का कैसे जिंदगी की तरफ वापस लौटेगा? आसिम एक बात कहूं? मुझे लगता है कि हमें अली की शादी कर देनी चाहिए। अली की शादी? क्या हो गया रहमान, अभी महीना मैंने गुजरा उसकी दुनिया उजड़ गई है, तुम्हें लगता है वो मान जाएगा शादी के लिए? आप बात तो करके देखिए। मगर किससे करना चाहती हो तुम उसकी शादी? सनिया से। वो आज असल में जमीला आंटी आई थी, कह रही थी कि अगर अली मान जाए तो वो सनिया को बुला लेंगी। रहमा देखो तुम अली से अभी शादी का जिक्र मत करना, उसको जिंदगी की तरफ लौट कर वापस तो आने दो, वो बहुत डिसहार्टेड है। आसिम हो सकता है शादी के बाद। नहीं रहमा, सनिया जैसी लड़की अली को जिंदगी की तरफ वापस नहीं लेकर आ सकती। तुम जाके खाना लगवाओ और प्लीज अली से मत जिक्र करना। जी मैं लगवाती हूँ। कि मेरे मरने के बाद तमाम प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, मेरे बैंक बैलेंस पर मेरे चारों बेटों में से किसी का कोई हक नहीं होगा। ये तो सब वो मुआवजा है जो पापा ने आयमा की। शट अप रहमा, सब झूठ है, सब ड्रामेबाजी है, सब फ्रॉड है ये। ये हो गए मिस्टर मिसेस लतीफ। और अच्छा ये एजाज साहब को भी, ये भी हो गए। कमाल आप इतने लातालुक होकर क्यों बैठे हैं? हाँ
ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशी नहीं है। सारे काम में अकेले भाग भाग कर कर रही हूँ। जवाब दे मुझे सलमा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने ये फैसला करने में कुछ जल्दी कर दी? जल्दी? ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले 2 साल से हमारी यही ख्वाहिश थी कि आयमा हमारी बहू बने। ये ख्वाब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का था, मेरा नहीं। आपको अपने बेटे की खुशी में कोई खुशी नहीं है क्या? सलमा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, सब समझ गई हूं मैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आयमा वापस चली जाए? ऐसा हो भी सकता है। हो सकता है रायमा को अपनी बहन की याद सताए और वो आकर आयमा को ले जाए। इसी बात का तो मुझे डर है कि दोनों बहनों के दरमियान ये बदमजगी ही खत्म ना हो जाए। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आयमा की शादी हो जाए ताकि ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। अच्छा आप छोड़ें इन बातों को, ये मैंने लिस्ट बना ली है, चेक कर लें। आपको अपने कोई फ्रेंड्स इन्वाइट करने हैं तो ऐड कर लीजिएगा, और ये भी चेक कर लीजिएगा कि फैमिली के तमाम लोग हैं कि नहीं। बाकी रही मेहंदी की, तो मेहंदी के लिए मैंने सिर्फ खास लोगों को इन्वाइट किया है, ठीक है ना? देखो सलमा, क्या बात है, खुल के बताएं कि बात क्या है। देखो तुम जिसे चाहती हो इनवाइट करो, लेकिन मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगा और ना ही किसी को फोन करूंगा, समझी तुम? ऐसा लगता है फयाज भाई से दोस्ती सिर्फ मैं निभा रही हूँ, आप तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करे, बड़े आए दोस्ती के दावे करने वाले। पता नहीं किस चीज की नाराजगी है ने? हर काम मैं करूं सब भाग भाग के, बेटे के लिए भी खुश नहीं हो सकते। पहले भी तो करती रही हूं, इनवाइट कर लूंगी जिनको करना है। मुझे तो अपने बेटे की खुशी में बहुत खुशी है। हाँ तुम चेक करते रहना, ठीक है? अब मैं भी देख लूंगा। ओके ओके ओके, चाय जीती रहो। आयमा बेटा तुम्हारे ड्रेसेस आ गए और ब्यूटिशियन को मैंने घर पे ही बुला लिया है, वो तुम्हें घर पे ही तैयार करेगी। मेहंदी के लिए ब्यूटिशियन की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो, क्यों जरूरत नहीं है, सॉफ्ट मेकअप तो होता ही है ना। और कमाल आप बैठे यहाँ कर रहे हैं, बाहर लॉन डेकोरेट हो रहा है, जाके देख तो लेना। अरे भाई मैं सब देख कर आया हूँ, सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब ठीक है। सारे काम तो आपने मेरे सर पे डाल दिए, हॉल भी मैं बुक कराऊं, कैटरिंग भी मैं चेक करूं, मैं तो पागल हो गई हूँ सारे काम। आंटी गलती उसकी है, उसको मेरे सामने ही नहीं आना चाहिए। अरे वो इत्तफाक से तुम्हारे सामने आ गए थे, कुछ प्लानिंग थोड़ी थी, और ऐसे तुम्हें हाइपर नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भी आसिम, तुम्हारे ही इंतजार हो रहा था, बैठो। दरअसल कोर्ट और मुतालिका इदारों ने फयाज साहब की विल अप्रूव कर दी है, मुतालिका इदारों की रिकमेंडेशन के बाद। शुक्र है, वरना कोर्ट ने तो हमें इंतजार की आग में झोंक देना था। मैं ये आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसकी एक एक कॉपी आप चारों को दे दूंगा। मैं फयाज अहमद वल्दरियाज अहमद अपने पूरे होश आवास में वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद तमाम प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, मेरे बैंक बैलेंस पर मेरे चारों बेटों में से किसी का कोई हक नहीं होगा। क्या वकील साहब, फिर ये सब किसका होगा? आगे सुनिए। इस घर पर बाकी प्रॉपर्टी, मेरे ऑफिस, फैक्ट्री और बैंक बैलेंस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी आयमा असलम का हक, जो मैं उसके नाम कर रहा। बेटी,
मेरे चारों बेटे बशमूल आसिम फौरी तौर पर ऑफिस और ये घर खाली कर दें, या आयमा से इजाजत लेकर उसे किराया अदा करें। मैं इकरार करता हूँ कि मेरा मेरे बेटों से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, सिर्फ आयमा असलम मेरी बेटी और मेरे लिए इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी मेरी माँ थी, और कोई बेटा अपनी माँ पर बुरी नजर नहीं रखता। ये थी फैयाज साहब की वसीयत और जिसके मुताबिक सब कुछ आयमा के नाम कर दिया गया है, और आपके पास दो दिन है, इन दो दिनों में आपने ये मकान खाली करना होगा। क्या बकवास है ये क्या बकवास है? दुनिया का कोई भी कानून हमें अपनी विरासत से जुदा नहीं कर सकता। देखिए, ये फैयाज साहब ने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया था, आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर करना चाहे तो कर लें। और जो कुछ हमारी माँ के नाम था वो आपका और आसिम का है। एक फ्लैट है और एक घर है। ये वसीयत की कॉपियां रखी हुई हैं, मुझे इजाजत दें आप लोग, मैंने आयमा को भी इसकी कॉपी देनी है। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ दो दिन है ये घर खाली करने के लिए। खुदा हाफिज। ये क्या किया पापा ने? अपनी औलाद के साथ कोई इतना बुरा सलूक करता है, इतना बड़ा इंतकाम। मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि कुछ कर लो, लेकिन तुमने जब भी किया हमेशा अपना नुकसान किया। चुप करो यार तुम। क्यों चुप हो जाऊं मैं? मेरा मुस्तकबिल दांव पे लगा, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, कंगाल हो गए। ऊपर से सर पे इतने सारे मुकदमे हैं। तो अब क्या करूं बताओ मुझे? करना क्या है, बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ, वरना आयमा आके धक्के दे के निकालेगी। सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कानून औलाद को बाप की विरासत से जुदा नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में, बाप के मरने के बाद भी नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी में ही तुम्हें महरूम कर दिया। याद है कोर्ट में सारी ऑडियो वीडियो मौजूद थी, तीन जजेस ने मिलकर तुम लोगों का फैसला सुनाया था। अब एक काम करो, तुम सब घर में बैठो और तालियां पीटो। फयाज भाई आप क्यों हंस रहे हैं? ये तो हंसेंगे, इन्हें फ्लैट जो मिल गया भाई। अरे नहीं बीना भाभी, मैं इसलिए थोड़ी हंस रहा हूँ, मैं तो बस आपकी अदा पे हंस रहा था। जैसे आपने कहा ना कि घर बैठो और तालियां पीटो। अयाज भाई आपको कोई अफसोस नहीं? आपके हाथ भी आता आता रह गया। तुम लोगों को क्या पता बेवकूफ हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। कोई बात नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है, बेचारे सदमे से पागल हो चुके हैं। सदमे से पागल तो होना है, सदमा ही इतना बड़ा है। अब हम क्या करेंगे शिराज? मैं इकरार करता हूं कि मेरा मेरे बेटों से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, सिर्फ आयमा असलम मेरी बेटी और मेरे लिए इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी मेरी माँ थी, और कोई बेटा अपनी माँ पर बुरी नजर नहीं रखता। रायमा ये क्या हो गया? आप हम कितने बड़े गुनहगार हो गए, क्या किया है हमने? चुप कर जाइए आसिम,
ये सब झूठ है, ये पेपर्स, ये वसीयत, ये सब झूठ है। ये तो सब वो मुआवजा है जो पापा ने आयमा की। शट अप रायमा। सब झूठ है, सब ड्रामेबाजी है, सब फ्रॉड है ये। क्या तुम अभी तक इसे फ्रॉड समझ रही हो? तो क्या करूं मैं, किस चीज पे यकीन करूं? उस चीज पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उन कागजों पर। एक मरता हुआ इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है रहमा? बोल सकता है, शर्म से मरता हुआ इंसान झूठ अपने ऊपर वाजिब समझता है। जो खुद अपनी जान दे रहा हो उसे क्या परवाह बदनामी की और शर्म की? आखिरी कोशिश तो हो सकती है ना ये, अपनी बदनामी को अपनी नेकनामी में बदलने की। रहमा खत्म कर दो ये बदगुमानी, बस कर दो। कर भी दूंगी ना तो मेरे माँ बाप की लूटी हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती।